हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नाहन शहर में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार को हिंदू आश्रम से गणपति महाराज की विसर्जन यात्रा शहर का भ्रमण करने के बाद पांवटा साहिब के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर नवयुवक मंडल नाहन के प्रधान आमिल अग्रवाल ने बताया कि गणेश उत्सव को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें शहर के हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि आज हिंदू आश्रम से गणपति महाराज की विसर्जन यात्रा शुरू की गई है, जो शहर का भ्रमण करने के बाद पांवटा साहिब के लिए रवाना हुई है। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब स्थित यमुना नदी में शाम गणपति जी महाराज का पूर्ण विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा। सभी नवक मंडल की तरफ से सभी नाहन नगर निवासियों को गणपति उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणपति उत्सव इस बार 7वां गणपति उत्सव है। ये हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 30 तारीख को शहर की परिक्रमा करते हुए भगवान गणपति के जयकारों के साथ नाहन में गणपति महाराज ने प्रवेश किया है। आज गणपति महाराज परिक्रमा के बाद विसर्जन के लिए पांवटा साहिब जमुना जी में विसर्जन किए जाएंगे और 31 तारीख को और 1 तारीख को हिंदू आश्रम में भजन संध्या की गई और लोगों ने भरपूर आनंद लिया और अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है। 2 दिन भंडारे भी चले रात को, जिनमें हजारों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और गणपति की गूंज के साथ नाहन शहर में आज विसर्जन के लिए हम इस टाइम हिंदू आश्रम से निकलकर बाजार की परिक्रमा करते हुए पांवटा साहिब निकल रहे हैं और ठीक 3:30 बजे विधि विधान के साथ पांवटा साहिब में विसर्जन का कार्यक्रम किया जाएगा।